हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अन एकेडमी मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज के क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री पैनल के इशू को डिस्कस करने वाले हैं रिसेंटली पार्लियामेंट्री पैनल ने रिकमेंडेशन दी थी इस बात पे कई बार कई दफा बोला गया कि जो भी इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस का स्टेटस दिया जाता है जिस भी इंस्टीट्यूशन को वो दिया जाता है उस प्रोसेस को एक्सेलरेट कीजिए और जितना भी टाइम लगाया जाता है कि आईओई का दर्जा देने में ऑल कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशन बेचारा पार्ट ऑफ इट तो उसको विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड टाइम फ्रेम आप कीजिए अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है क्या होते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस अगर हम बात करें आज की क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट्री पैनल ने एक स्टेटस नोट दिया था पब्लिक और दो पब्लिक और पांच प्राइवेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे जहां पे उन्होंने बोला कि भाई ये जो आईओ स्टेटस है इनको जल्द से जल्द दिया जाए और आईओ स्टेटस देने के लिए वी कैन नॉट वेट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो उन्होंने बोला की जो टिप्पणियां दी गई या पूरा का पूरा जो प्रोसेस पढ़ा और दे केम अप विद सर्टन सजेशन की हम इतना टाइम नहीं लगा सकते दीज आर इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन विच विल बी एनहैंसिंग विच विल बी प्रोड्यूसिंग द फ्यूचर एंड अदर लाइक फ्रॉम एवरी फील्ड वी विल बी है पीपल जो हायर स्टडीज के लिए जाते हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है एजुकेशन विमेन चिल्ड्रेन यूथ एंड स्पोर्ट्स की उन्होंने भी ये चीज बोली थी कि जो नेशनल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी हमारी 2020 में उसी के साथ साथ आईओई स्कीम को भी रियलाइन करा जाए ताकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो भी प्रोमिनेंट प्रोविजन थे अगर किसी को हायर एजुकेशन के लिए जाना है तो उनको एटलीस्ट ये पता होने चाहिए कि कौन से कौन से इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस है और उसी में दे कैन ट्राई फॉर दैट और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो नई पॉलिसीज आई हैं जो करिकुलम में चेंज

उसको एम्पावर uh, करें जहां पे 10 पब्लिक और 10 प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को चुना गया कि इनको हम वर्ल्ड क्लास टीचिंग और रिसर्च में इमर्ज करेंगे और उसी के तहत uh, जो यूजीसी है जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उन्होंने भी ये बोला ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च करी थी एज अ पार्ट ऑफ द आईओ स्कीम दो में फ्रॉम देर अपॉन इंस्टीट्यूट ऑफ एविनेस की जो स्कीम uh, आई थी किस चीज पे एम करती है क्या इसका मेजर फोकल एरिया था हायर एजुकेशन को प्रोवाइड करना ताकि एक्सीलेंस और इनोवेशन आए हिंदुस्तान में हम एक मेडियोक्रिटी के uh, uh, कहते ना जो राटरेस uh, uh, है उससे निकल के एक्सीलेंस की तरफ एम uh, करें एंगेज करें एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन में ताकि डिस्टिंगटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑब्जेक्टिव जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम का है वो क्लियर हो पाए um, अलग अलग सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज का एक uh, ऐसा होना चाहिए कि एक्स यूनिवर्सिटी एक, एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए जानी जाती है हाई क्वालिटी टीचिंग और रिसर्च होनी चाहिए एक यूनिक और इमर्जिंग एरियाज में जहां पे नॉलेज इंक्लूडिंग इंटरडिसिप्लिनरी एरिया शुड बी वर्कड अपॉन एटीआई इसको इनेबल करना कि भाई वो टॉप हंड्रेड इंस्टीट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड में आए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो ये जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस है इनका क्या बेनिफिट होता है सबसे पहला बेनिफिट होता है कि ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव uh,

एक ये इन इंस्टीट्यूशंस को एक लिस्ट ऑफ नेगेटिव कंट्रीज जो एक्सटर्नल अफेयर्स या होम मिनिस्ट्री देती है उन देशों के किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ ये किसी भी तरीके का कोलैबोरेशन नहीं कर सकते दैट इज नॉट अलाउड अदर देन दैट दे कैन इजीली कोलैबोरेट विद एनी फॉरेन इंस्टीट्यूट एनीवेयर इन द वर्ल्ड गिवन uh, कि उनको ग्रीन फ्लैग मिल गया the, uh, uh, the उसके साथ दिया जाता है तो जैसे ये तो दस होते है, इनको हजार करोड़ ईच दिया जाएगा बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ताकि वर्ल्ड क्लास स्टेटस अचीव कर पाए फाइनेंशियल असिस्टेंस uh, कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को नहीं दिया जाएगा जस्ट टू द या पब्लिक इंस्टीट्यूशन टू इंश्योर फैसिलिटीज अवेलेबल अब इसका क्या क्राइटेरिया है किस वजह से क्या क्या दुविधाएं आई तो इंस्टीट्यूशन जो ये चीज बोली गई कि आईओ का जो आईओ का जो स्टेटस है ना वो अचीव करना अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो इसके लिए इंस्टीट्यूशन या तो टॉप पचास इंस्टीट्यूशन हो रैंकिंग फ्रेमवर्क में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क होता है अपनी अपनी कैटेगरीज में या फिर टॉप फाइव हंड्रेड इंस्टीट्यूशन हो इन द इंटरनेशनली रिकोगनाइज रैंकिंग जो कि टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जैसे जो भी प्रोफाउंड ऐसे ग्रुपिंग्स ग्रुपिंग रिपोर्ट्स आते हैं पब्लिक इंस्टीट्यूट कैसे एलिजिबल होते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए गवर्नमेंट ओन्ड हो, uh, हो सकती है या कंट्रोल्ड होनी चाहिए डीम्ड बी यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंट जैसे आई आई टीज एन आई टीज ये हो गए या फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज जिसको सेटअप किया गया था बाय लॉ विच बीन मेड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ पर्टिकुलर स्टेट अपार्ट फ्रॉम दैट इन इंस्टीट्यूट को सबमिट करना पड़ता है एक प्रपोजल भी प्रोवाइड कर सकती हैं एक्शन प्लान अलॉन्दोन्सलेक्सेट्रा टाइमलाइन क्या होनी चाहिए और एक एम्पावर्ड एक्सपर्ट कमिटी होती है जो कि यूजीसी कॉन्स्टिट्यूट करता है टू लुक इन टू इट की हम इसको कैसे बेटर कर सकते हैं मूविंग फ्रॉम देट अपॉन जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो असाइन करती है आईओ स्टेटस टैक्ट जितनी भी uh,

पार्लियामेंट्री पैरल रिपोर्ट ने क्या बोला इस आईओई स्टेटस के लिए रिकमेंडेशन जो 2023 24 के लिए ग्रांट्स दिए जाने वाले थे उसके लिए आए थे गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म करा कमेटी को कि आठ पब्लिक और चार प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं आठ पब्लिक इंस्टीट्यूट जो है उनको सैंक्शन किया गया थर्टी फोर हंड्रेड करोड़ रुपीज जिसमें से आई एस बैंगलोर का हाइएस्ट शहर सिक्स ट्वेंटी करोड़ और कमेटी ने यह बोला कि अगर कोई ईईसी नहीं है क्योंकि अभी तक सेंटर ने इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है सो जो भी प्रोसेस है आईओ स्टेटस इसी चक्कर में थोड़ा डिले हो रहा है क्योंकि जब तक सेंट्रल अप्रूवल नहीं देगी ईईसी को फॉर्म करने का इस एक्सपर्ट कमेटी के फॉर्मेशन का आईओ स्टेटस देने में किसी भी प्राइवेट या पब्लिक इंस्टीट्यूट को थोड़ा सा टाइम लगेगा आज के क्लास में मेरी तरफ से बस इतना ही स्टेट फॉर मॉडर्न अकेडमी Like this video, share it as much as you can, and do subscribe to your Academy UPSC Unstoppable. Thank you so much, and have a great day, everyone.